माननीय न्यायालय जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार बनाम रंभा देवी में पारित आदेश के अनुपालन के तहत तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना तिवारीपुर व उनके पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम घुंगुनकोटा में अभियुक्त की संपत्ति कुर्क कर थाना अध्यक्ष तिवारीपुर की अभिरक्षा में दे दी गई। इसके अलावा सरकार बनाम मोतीचंद निषाद, बाधु निषाद व संतोष निषाद में पारित आदेश के अनुपालन के तहत थाना खोराबार व उनके पुलिस बल की उपस्थिति में ग्राम सिकटौर थाना खोराबार में अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क कर थाना अध्यक्ष खोराबार की अभिरक्षा में दे दी गई। इन दोनों कार्रवाइयों में 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, अधिनियम गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत श्रीमती रंभा देवी का मकान जिला श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कुर्क कर सील कर दी गई है। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर गोरखपुर और थाना अध्यक्ष तिवारीपुर की उपस्थिति में हुई है। धन्यवाद। इसका प्रयोग दंडनीय होगा। नहीं, आज दो कार्यवाहियां हुई हम लोगों की। एक तो जैसा कि गैंगस्टर के दोनों मामले थे, वो संगठित अपराध निरोधक अधिनियम जो होता है उसके धारा 14(1) के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से जो आदेश पारित हुए थे उसमें एक ग्राम सिकटौर के में प्रॉपर्टी थी मोतीचंद निषाद, संतोष निषाद और बाढ़ो निषाद के नाम पर। तो उनके चार कुल अराजात थे, उसमें एक में भवन बना हुआ था बड़ा सा, तो भवन की कुर्की हुई और खेतों की कुर्की हुई। और सेकंड अभियान था घुनघुन कोठा तहसील सदर और थाना तिवारीपुर का था प्रकरण, उसमें अवैध कच्चे शराब का धंधा करने वाली वो रंभा देवी उनके विरुद्ध गैंगस्टर के ही इसी एक्ट में आदेश पारित हुआ था माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय का, उसका कंप्लायंस मौके पर जाकर कराया गया। लगभग कितने की संपत्ति जो है इनकी कुर्क की गई है? देखिए मैटेरियलिस्टिक के रूप से तो मतलब 1 एकड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी ये मोतीचंद निषाद, संतोष निषाद और बाढ़ो निषाद की, और इनका भवन अप्रोक्स मतलब कम से कम 50 लाख के आसपास होगा। और ये रंभा निषाद का जो रंभा देवी का प्रकरण था वो उसमें गांव में मकान था, छोटा मकान था, तो 5 से 10 लाख रुपए की संपत्ति रही होगी वो।